जरा मजा थाल पकौड़े बनाने ना ना वो यकीन करो कि कुछ और चीजें नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जनाब, माशाल्लाह, अज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखां करोड़ां दरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ते उन्हां दी आल पर। मौजूद नाज़रीन सो तकने कश्मीरी बैठक में थोड़ा मेज़बान साकिब नवाज कश्मीरी। उम्मीद करना जी सारे दोस्तों अखबार पढ़ना पर अल्लाह ताला ने फजल करम तो शुक्र ना ठीक ठाक हो सो, खैर वफियत नाल हो सो, तो अपनी जी जिंदगी है वह इस तरह गुजारने पे हो सो। तो माशाल्लाह जनाब अज तारीख है 24 मार्च, घड़ी तो मेरी ठीक हुई है लेकिन मैं तारीख फोन पर अजकल तक है, मैं तारीख सही बनी चाहिए है। तो नाल जुम्मा तुल मुबारक का दिन है, तो सैकेंड रमज़ान है जनाब पाकिस्तान। सो सुबह सैरी टाइम उठिया, सैरी की, उस तो बाद फजर पढ़ी सी गया। सो हूँ वापस जा गया, तकरीबन टाइम होना पाया 11:30 ने राउंड अबाउट को टाइम होना पाया। तो मैं थोड़ी नींद भी जरूरी है, हूँ जा गया। अज जुम्मा आ, तो पहले ना नाई तो तैयार शहर होया, मैं बाहर जुलने से पहले व्लॉग शुरू करा क्योंकि भैन भ्राने होने जनाब डेली ने एक्टिविटी मतलब इखे जाए तो कि दसने होने। सो अज मैं कमरे चु ही दसने। दूसरा आवाज़ मार से उसे पता लगी रहा उसकी जो नींद थकावट है उसकी वजह है कि कम अज़ कम 2-4-6 दिन लग सन एडजस्ट होने सैरी अफतारी ने टाइम पर, क्योंकि मतलब एक रूटीन बनती होनी थी। बेशक असा लेट सेने सा लेकिन फिर सुबह फजर ने नमाज पढ़ी तो फिर सी लेने सा। तो उन इस दौरान यह कि राती भी तरावी तो बाद लेट सेने, फिर 2-3 घंटे सी, फिर जागने, फिर फजर पढ़ने, फिर सेने, मतलब थोड़ा रूटीन सैट होने टाइम लग सी। बाकी ये है कि माशाल्लाह भैन भरा ब्लॉग काफ़ी पसंद करी रही, अल्लाह ताला से सलामत रखे, खुश रहो, आबाद रहो। तो मैं यार मुमकिन तार पूरी कोशिश करना कि जितनी जल्दी ना कि अपलोड किया जाए करी उड़ो, सम टाइम देर भी हो जानी है, सोचते माजरत है, लेकिन है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करना कि जितनी जल्दी ना कि अपलोड करना उतना ठीक है। सो बाकी यह स्टोरी है जनाब के बाहर मौसम फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो तो क्लाउडी क्लाउडी है, लेकिन ये तो बाहर जुसा तो पता लग सी। सो चैनल सब्सक्राइब करो, मैं तैयार होना, तैयार भी बाहर जुलना है, फिर जुम्मा पढ़ने, जुम्मा पढ़ते फिर तकने अगले मौसमी तो बाकी इलाके ने क्या कुछ सूरत हाल बनी है। लेकिन सबसे पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो जी भेनों तो प्रो आई गए बाहर, तो मौसम है सो चेक करा, तो मौसम है कि सूरज आज मौजूद है लेकिन कुछ समझ नहीं, बारिश भी नहीं होनी जनाब, तो खले भी नहीं, सो मिक्स किस्म का मौसम है। बाकी ये स्टोरी है कि तैयार शहर हो गया, मैं तो पिछु भी लाई कहती है, वूजू शूजू करी कहता, जुम्मा आ अज इंशाल्लाह मस्से चलने पैदल ही, गड्डी खलती भी है लेकिन नहीं पैदल जुसा, दरूद सलाम पढ़ने पढ़ने पैदल जुसा, पैदल चल के जुम्मा पढ़सा, जुम्मा पढ़ के सो फिर अगली स्टोरी करसा। तो मैं गेट खोल ला, तक गेट तो बाहरों बंद है, ओहो बड़ा गेट खोलना किसी इस गेटा की कुछ जाने कुंडी लाई है, सो फिर कुंडी लगी रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेसिकली स्टोरी ये हो सी कि इसकी मैं करन लगा बंद, इतों वापस ऐसा इसकी खोल सा, अंदर ऐसा इसकी एक बार फिर बंद करता जनाब, तो इतों बाहर निकल सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी फिर लाई उठसा कुंडी। अरे कहना क्या चाहते हो, समझाइए मिकी भी नहीं आई पर करना ऐसा तरह सी। बाकी माशाल्लाह बार मौसम चेक करो, हाई खूबसूरत जी किस्म का मौसम बनता वा, कनक आलमोस्ट तैयार होनी है पियाँ, सो बारिश चाहिए नहीं है लेकिन अमन नहीं बारिश चाहिए नहीं है। खबर पर फातह शरीफ पढ़ने हैं, तो उस तो बाद अगला सफ़र शुरू करने हैं मस्जिद शरीफ की तरफ पैदल। मौसम कितना प्यारा होया वा, माड़ी तो ये ख्वाहिश है कि सारा रमज़ान का दिए जो मौसम रहे, मतलब चढ़ पे वे बारिश पवे ना मैं लेकिन चढ़ चढ़ पे रहे क्लाउडी जो मौसम है तो मैं आना क्या ही बात है। लेकिन यह कि चलो फसल जड़िया ना आई थिंक रमज़ान ने आखिरी इशू की तैयार हो सन, पर चलो होनी को कौन टाल सकता है। बाकी चुले फटाफट मस्जिद जुम्मा पढ़ने सुबह तक ने अगला कमीशन बता। हासिल हो जाती है और इसका हर लम्हा हर घड़ी जो है वो क्या है, अजीत है पेड़ो ब्रो। स्टोरी कुछ इस तरह नहीं है कि निकाश साहब जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, बहुत बहुत मुबारक भाई जुम्मे। बाकी है कि जुम्मा पड़ी जैसे बाहर निकलते हैं तो बारिश माशाल्लाह बरान रहमत नजूल होया, हूँ मैंने वेले नाल बगैर सीजा घर पहुंचे जुला तो साड़ी इज्जत दिसा जाए, नहीं तो हालात कोई पुछने दिसने नहीं। सो फटाफट दोनों जुलें घर, तो उस तो बाद अगला प्लान तकना क्या बनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, घर पहुंचे हैं तो यकीन करो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। आज प्लान से सारा आउटडोर अफतारी कर, लेकिन माड़ा नहीं जाती ख्याल कि आउटडोर अफतारी हो ही सके, उसने वजह आया कि तक होना बारिश कि आउटडोर अफतारी हो रही है। सो सीन है कि जुलें घर, दोस्तों प्रॉब्लम मशवरा कर रहे हैं आखिरी आखिरी बारी कि क्या करना है,
अगर वह नहीं मने तो फिर उसने अगला आ लिया बार अफ्तारियाँ आया से फैसला किया शुरू कर सौ पांच छे रमज़ान तो बाद पांच छे रमज़ान उन्हें घर या कराया गोल अफ्तारियाँ उसने सो नहीं तो फिर घर अफ्तारी वास्तव कुछ तैयारी श्यारी करने अज कुछ कुकिंग करने आपू ही क्योंकि मौसम बहुत प्यारा जनाब पेड़ों तो भरा सोची रहा कि बाहर जा सौ अफ्तारी अफ्तारी का सीन रख सकता लेकिन चेक करो बारिश कितनी तेज़ हो रही है वाह माशाल्लाह ब्यूटीफुल इनक्रेडिबल सो बाकी हूँ फैसला ये किया जनाब कि मैं इस सारे मौसम की मद्देनज़र रखने से बाद ना अफ्तारी जरा ना अच्छ घर ही की जाती और अज मैं बजाते खुद बंदे ना चीज़ कुछ घर किचन अफ्तारी बना सी सो कुकिंग कितने बड़ा अर्सा हो गया चुल्हे अंदर किचन प्रोफाला करने तखने क्या कुछ लभना अच्छ क्या कुछ बनाया जाए अजीत मैडम प्रो किचन मौजूद है जनाब मैं जहाँ से कुकिंग शुकिंग कर सकता तो फिलहाल तो थोड़ा बहुत फ्रूट कुतरिया हुआ तो कुछ कुतरने जब रहना मैं तुम दस ही उड़ा तो अजक पाकिस्तान में सही सीजन है स्ट्रॉबेरी ना स्ट्रॉबेरी भी अच्छी होनी है सेहत वास्ते गुड फॉर हेल्थ वाश की है उन्हें इसकी छोटे छोटे इसने टुकड़े करने हैं जनाब टुकड़े करी तो इसकी बाने अपने चाट है उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्ट्रॉबेरी वैसे भी खाई सकने हो लेकिन चूंकि रोज़ा होना ना जिदा स्टार्टिंग है रोजे बॉडी की इतना पता नहीं ना आस्ता आस्ता जो जो रोज़े अगर गुजरने जाते तो बॉडी मजीद कमजोरी फील करती सो फ्रूट खाली आहो घलिया सौ खासो तो फ्रूट नहीं खाने लगा सो उसने हल में एडवांस दसा पाया लास्ट रमजान जो ट्राई किया काफ़ी रमजान तो ट्राई करी रहा वो ये है कि फ्रूट चाट बनाई गिनो इसने थोड़ा जहाँ शरबत पाई गिनो या फिर लीबू पाई गिनो या फल जो होने उन्होंने अपना रस होना ना वो इस कदर अच्छा होना कि तुम कुछ और ऐड करने की जरूरत ही नहीं पैन लगी सो अस पे जरूरत जनाब दो तीन स्ट्रॉबेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्ट्रॉबेरी कुतरंगी तो इस चीज़ है खगड़ी खगड़ी बड़ी खैर अजकल जुबे जुबे किस्म नहीं आई लेकिन चूंकि आई हम तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खगड़ी खुशबू तो बहुत अच्छी है इसकी उन्हें अफ्तारी से बाद टेस्ट करता तो पता लगती कैसी बननी है अजी तो बेटा प्रो फ्रूट चाट बनाई है तो हूँ मेरे को चिकन चिकन बेसिकली रखना कैसा पर इसकी करता बॉयल करी तो जनाब वाला इसने चो जी हड्डियाँ बक कर सो बोटियाँ कट सोटियाँ कट्टी फिर उन्होंने छोटा छोटा मैश कर सो फिर बना सा जनाब चिकन वाले पकौड़े पकौड़े वैसे तो मैं कट ही खाना होना कल भी नहीं खाते थे लेकिन फिर भी चलो बाकी तो खास नहीं ना सो चिकन पकौड़ा बनाना नाल ऑनियन रिंग्स बना सा नाल थोड़े जे चिप्स बना सा चीज़ा कोशिश ये करी ना ज्यादा से ज्यादा घर बनाओ इब्तदाई दिहाड़े ने जी अफ्तारियाँ तो वैसे भी घर होने सो इस चीज़ से भरपूर फायदा उठाया जा सी चिकन बॉयल करने तो उस तो बाद बाकी समान पकौड़िया वो कुतरने कतरने बेसन जेसन बने सो जल्द तैयार हो जाए उस तो बाद मिले अजी तो बेटा प्रो टमाटर भी पाई ओड़े शिमला मिर्च भी पाई ओड़ी है क्योंकि ये इंग्रीडियंट ऐसे होने जो थोड़ा एक्स्ट्रा आने तो ज़्यादा मदद देना बाकी स्टोरी है जनाब के चिप्स भी कुतरी उड़न चिप्स भी आलमोस्ट तैयार हो एक बार धोई रहे हैं एक बार फिर इन्हें ड्राई करिए फिर धोसा इन्हें कि गर्म पानी फिर उस तो बाद इन्हें कर सकता फ्राई सो स्टोरी बेसिकली है कि हूँ इसने बने इंग्रीडियंट्स थोड़े थोड़े पकौड़िया का सारा समान शुरू करने सब तो पहले चीज जी के मैं जिस तू बगैर निजाम भी नहीं चलना वह है जनाब दलफड़ मिर्चा इस पर जरूरत बाल बंदे थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करना तो बाल बंदे थोड़ा जहा घट इसकी हथा मिक्स करी सा मैं दात सही करी धोते वैसे तो खासा मैं आपको ज़्यादा मैं फिक्र कोई नहीं तुस अगर कुछ और वास्तव बनाने तो ग्लव्स यूज़ करी कि नहीं नैक्सट चीज़ जी एड कर जनाब वो है जिस बगैर खाना नहीं बनी सकना यानी कि नमक सो इस पर जरूरत नमक भी ऐड कर सा थोड़ा जो नमक है ना उसने बेसिकली मसला आया कि वो बहुत घट उसका टेस्ट अच्छा थोड़ा ज़्यादा बस थोड़ा टेस्ट अच्छा थोड़ा ज़्यादा पाया तुम सारे पाना जनाब अपने अपने अस बे जरूरत अपने अपने हिसाब किताब के नाल हूँ जनाब छोड़ी असल चीज नाल बन सन पकौड़े अच्छा जी ये तो हो गया तकरीबन मिक्स मेन इंग्रीडियंट्स जो इसका थिया मेन असल चीज़ जिस बारे में पकौड़े बनाया था उस चिकन सो चिकन आलमोस्ट बॉयल हो चुके उसने अपने बोटियाँ बोटियाँ लाई तो उसकी इसने ऐड करना है फिर तकने के क्या स्टोरी बननी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी माशाल्लाह चिकन थोड़ा बॉयल हो चुका आलमोस्ट ठीक है काफ़ी ज़्यादा बॉयल हुआ थोड़ा नहीं होया इसने बोटियाँ में मजीद निकियाँ ता नहीं कितियाँ कि मिलूँ फिर वो पता ही नहीं लगना टेस्ट ही नहीं इच्छा कि चिकन भी खाने पे नो खाने पे सो इसकी अच्छी खासी मकदार भी असा ऐड करी क्या क्योंकि अगर इन केस साढ़े आज मेहमान बना उस्मान आजम ऑफिशियल साहब तो वो आखिर एक अच्छी बोर्ड बनानी है पूरी बूटी कोई नहीं सो ये गल कोई और बंदा आखा इस को पहले ही मैं है चलो चिकन का ऐड किया जाए सो चिकन ऐड करी क्या हम इसकी थोड़ा और बेसन बेसन पाई तो फाइनल टच देने तो उस तो बाद जनाब इसकी मेरीटेशन उसे रखना ताकि थोड़ी देर डाटा हो जाए तो उस तो बाद फ्राई कर सकता सर इंशाल्लाह
ठीक है जी मैंने तो ब्रो डो टिकी की है तो ये जनाब हम अजवा खजूर ये मैं रेट इसने पता चलिया कि इन्हें अजवा खजूर ना पाकिस्तान रेट चली रहा आलमोस्ट 12,000 रुपया फॉर 1 kg जेडे कि अप टू 21,000 रुपीज तक जाना यानी कि 21,000 रुपये पाकिस्तानी तक जाना तो पाकिस्तानी अजवा खजूर बहुत महंगी है जी पर चलो ट्राई करता पाकिस्तानी बिच की कैसी कैसा टेस्ट है इसका कैसा टेस्ट है बाकी हूँ जग टेगा वा हूँ बनाने शरबत शरबत तो बगैर तुम्हें पता रोज़ा ही नहीं खुला होना साड़ा सो शरबत बनाने तो उस तो बाद सर नमाज पढ़ने तो फिर फ्राई करना शुरू कर सी चीज़ा की जी तो बेटा ब्रो सब तो पहले चीज़ है जनाब चीनी चीनी के बगैर तो शरबत बनना ही नहीं ना सो दो त्रै घंटे चीनी ने बनाया क्योंकि जग काफ़ी बड़ा होने वाला सो चीनी बाई सब तो पहले चीनी की करने अच्छा मिक्स थोड़ा जहा पानी पाया बिल्कुल थोड़ा जहा पानी से थोड़ा जहा पाया ताकि इसके बीच चीनी जी है ना वो घुली सके सो चीनी घोल लें चीनी से बाद जी मेन चीज़ होनी है जनाब वो होनी है लींबू ये लींबू करा ने इन्होंने रस क्ढी देना कि इस बोतल में पाया क्योंकि कच्चे की बोतल में लींबू खराब नहीं होने सो असल जरूरत इसने पाने जनाब लींबू 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 से बगैर आराम नहीं चलना तो बहुत ज़्यादा खट्टा भी कोशिश करनी है कि इसकी नहीं करना चीनी बाई भी है थोड़ा जहा लींबू भी बाई किता सो इसका जो लैवल है वह बैलेंस हो जाए तो उस तो इलावा जनाब मैं तुम्हें दसना एक और बड़ी कमेंट चीज़ जी कि लाजमी ड्रिंक ऐड करनी चाहिए है वह है जनाब इलायची इलायची जी खुशबू होनी है ना माशाल्लाह माशाल्लाह जिस ड्रिंक जो सी तुम पीसो सो तरो ताज़ा बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्रैश फ्रैश फील करो सो ये चीज़ा भी होगी हूँ ए एंड पर बस हाँ नजदीक का फिर यह बूंदी इसकी एंड पर ऐड किया जाए लेकिन उस तो पहले जी मेन चीज़ है पाकिस्तानी भैन भ्रा बहर गए हैं वो जरूर इसकी मिस करने रूह अफजा तो जाम शीरी हूँ तो आई थिंक सारे लभी जाना इंग्लैंड भी लभी जाना कमेंट सैक्शन में भी दस लभना या नहीं लभना माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब हूँ इसकी पहले मिक्स करना है ताकि महलूल जल्द तैयार हुई रहे ना तो उस तो बाद फिर इसमें मजीद ऐड पानी ऐड करिए माशाल्लाह जी शरबत हो गया तैयार तो हूँ फाइनल स्टेप है बबूंदी बनाने का मिगी तो पर्सनली बहुत पसंद है तुम्हें पता नहीं पसंद है या नहीं पसंद कमेंट सैक्शन में जरूर दसिया बाकी इसकी थोड़ा जहा ऐड करना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी वाफर मकदार से ऐड करी दी है सो हूँ ये करना जनाब कि यह भी होगा तैयार बिल्कुल फुल एंड फाइनल हूँ इसकी बारह मौसम तक ही ना तो मुझे ठंडा करने की जरूरत नहीं थोड़ा जहा मिक्स करी ओड़ा हम उसकी रेंदा नहीं सद रही ताकि इलायची बबूंदी तो बाकी जो इसने इंग्रीडियंट्स हैं मिक्स हो सकन सो जल्द नमाज पढ़ने असर नहीं असर ना टाइम हो गया असर उस बाद मिल रहा जी तो बड़ा ब्रो फाइनली नमाज पास भी हो गई है तो हूँ टाइम आई गया पकौड़े बनाने ना चम्मच भी मौजूद है लेकिन जो मजा हाथ पकौड़े बनाने ना वो यकीन करो कि कुछ और चीज़ें आनी सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक सिरिया शुरू करना है जनाब पकौड़े सट रहे हैं हाँ हाँ चिकन पकौड़े बनते हैं आज उस्मान आजम ऑफिशियल साहब अगर वीडियो तकने लगे तो मैं पता सुने यकीन पानी आई गया उसी हूँ शामी ग्रुप है जी गल चलसी उस्मान साहब आज सागर साहब जाती है तो जुर्माना उसी तो कल्याँ कल्याँ पकौड़े बने तो खा दे मीन ने बनाए खा लिया बहुत अच्छी थी मैं कह दसा फिलहाल ही फोन इन्हें कड़ने पहले तो उस तो बाद और बस फिर माशाल्लाह जनाब माशाल्लाह हल्की आंच पर नहीं पकाता ताकि जो चिकन है अच्छी तरह पकी जाए सो बाकी भी बाने ऐसा करी इन्हें कितने पहले कट सा इंशाल्लाह आ जाए नहीं थोड़े मरीज ने फ्राई होते सर क्योंकि जो चिकन है ना ओबियसली थोड़ा फ्राई करने होने टाइम लगता उसकी अजी तो भेड़ो ब्रो फाइनली पहुंची है दस्तरखान पर तो पकौड़े चिप्स रेडी हुई है नाल जनाब चाट तो अजवा खजूर बाकी जूस जूस एंड एवरीथिंग सो टाइम बहुत मोचर रही गया वीडियो करने थे एंड ताकि इस तू बाद जो वीडियो भी एडिट करी सकने तो रोज़ा भी आराम खोली सकने दोबारा टाइम है मैं दुआ करना तुम अल्लाह ताला से खुश रखे सो हमारे से दुआ करे बहुत जल्दी मुलाकात होनी है नए वीडियो नए व्लॉग तब तक फी अमान अल्लाह सुनने वाला है।